everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today's video is going to be very, very special and helpful for all the girls out there jinke friends mein shaadi hai, family mein shaadi hai, because abhi to yaar officially wedding season chal raha hai. Literally Instagram ki feed aise refresh karo, char logon ki shaadi ho jati hai. So aapko bhi kahin na kahin jana hi hoga shaadi mein, and hum sab college student hote hain, school going hote hain. Hamara kahin na kahin agar budget kam hota hai na, to fir aisa lagta hai yaar hame acha outfit nahi mil payenge, hame shaadi mein insta worthy pictures chahiye. So aaj main leke aayi hu aapke liye some amazing pics from Amazon. मैंने ढूंढ ढूंढ के सिंगल सिंगल पीसेस निकाले हैं और इनको कंबाइन करके आप बहुत अच्छे आउटफिट्स बना सकते हो. तो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग आउटफिट आइडियाज देने वाली हूँ, एकदम जुगाड़ू लास्ट मोमेंट वाले, बिकॉज Amazon की डिलीवरी काफी फास्ट होती है. तो आपको विद इन अ वीक आपके पार्सल्स भी रिसीव हो जाएंगे, घर बैठे बैठे आपका अमेजिंग सा एक आउटफिट रेडी हो जाएगा. ऑल्सो टुडेज़ वीडियो इन कोलैबोरेशन विद Amazon, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्वियसली सारे Amazon के लिंक्स मिल जाएंगे. सो प्लीज चेक करते हुए जाना, एंड अभी नहीं जाना, अभी तो वीडियो पूरी देखनी है यार. विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेजिंग सा ब्लाउज, जो मुझे बहुत सुंदर लगा, डिफरेंट भी लगा, बिकॉज आप इसको मल्टीपल वेज में पहन सकते हो तो आपका पैसा डेफिनेटली वसूल होने वाला है. सो दिस फ्रॉम द ब्रांड इंडिया. नाउ आई रियली डोंट नो इंडिया को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने किसी की वीडियो देखी थी, शी प्रोनाउंस इट एज इंडिया. सो आई रियली डोंट नो कि इसको इंडिया बोलते हैं इंडिया बोलते हैं, मैं तो इसको इंडिया ही प्रोनाउंस करती हूँ. इसका नाम है इंडिया वुमेन साड़ी ब्लाउज. इसके अंदर XS, S, M, L, XL सारे साइज अवेलेबल है. मैंने मंगवाया है एस साइज. एक्चुअल एमआरपी इसकी 1600 है, मुझे पड़ा है 624 के अराउंड, विच इज क्वाइट अ गुड डील. क्वालिटी काफी अच्छी आई है, इट लुक्स वेरी वेरी रॉयल. आप देख सकते हो अभी भी कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है कैमरा पर, जब लाइट पड़ रही है ना इसके मटेरियल के ऊपर, बहुत अच्छी एक लुक आ रही है. बहुत प्यारा सा इसमें यहाँ पे वीनेक दिया हुआ है, यहाँ पे बेल्ट है जो डिटैचेबल है, बाय द वे प्रॉपर एक बेल्ट है. तो आप ये गोल्डन कलर की जो बेल्ट है ना, आप डेफिनेटली इसको और भी कपड़ों के साथ पहन सकते हो. आपके कहीं ना कहीं गोल्डन और भी कोई कपड़े होंगे जिसके साथ आप इसको पेयर अप कर सकते हो. एस साइज है ना, ये मुझे एकदम फिट आ रहा है, मतलब बिल्कुल मेड टू ऑर्डर होता है ना फिट, ये बिल्कुल मुझे वैसा फिट आ रहा है. तो अगर आपकी मेरी ऐसी बॉडी टाइप है या फिर मेरे से हल्की सी पतली है तो एस लेना, अदरवाइज मत लेना. ट्रस्ट मी, मुझे हल्का सा टाइट आने लग जाएगा अगर मैंने थोड़ा सा भी वेट गेन कर लिया तो. बट फिलहाल मुझे एकदम बढ़िया इसकी फिटिंग आ रही है. साइड में ना जिप दी हुई है, सो एज सून एज यू जिप इट अप एकदम परफेक्ट इसकी फिट आती है. सो ये पेपलम स्टाइल का एक साड़ी ब्लाउज है. आप इसको खाली ऐसे पहन के नीचे आप कुछ भी पैंट्स पहन सकते हो, प्लाजो पहन सकते हो, लहंगा पहन सकते हो, जो आपको आगे दिखाने वाली हूँ. प्लस आप इसी साथ साड़ी भी पहन सकते हो, तो आप कोई भी अपनी सुंदर साड़ी इसके साथ ड्रेप कर सकते हो. सो इस सुंदर से ब्लाउज के साथ मैंने ढूंढा है प्यारा सा लहंगा, जो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट करेगा इसके गोल्डन वर्क के साथ. सो इसकी बेल्ट का जो कलर है वो गोल्डन सॉर्ट ऑफ आ रहा है, तो इसी के कॉम्प्लीमेंटिंग मैंने एक और ब्रांड से मंगवाया ये लहंगा, जिसका घेरा काफी ज्यादा है, लिटरली पूरे कैमरा पे भी अभी नहीं आ पाएगा. सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये काफी डिफरेंट है एज शोन इन द इमेज. उसके अंदर ऐसे कलियां नहीं बनी हुई थी, जो इमेज में था लहंगा वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, आप खुद देख सकते हो. और इसमें यहाँ पे ऐसे कलियां बनी हुई है, पीछे इलास्टिक है और फ्रंट में इन्होंने फ्लैट ऐसे दिया है. साइड में आपको मिल जाएगी जिप, जिससे आप जिप और पिन अप करके पूरा फिट कर सकते हो. ये मुझे काफी डील है अभी, तो मुझे फिट कराना पड़ेगा. तो अगर आपकी भी मेरी जैसी 28 वेस्ट साइज है ना, इसकी आपको फिटिंग करानी पड़ेगी. अदरवाइज आई थिंक 30-34 प्लस का वेस्ट साइज होता ना, आपको एकदम परफेक्ट आने वाला है ये, बिकॉज पीछे इलास्टिक है तो फिटिंग काफी अच्छी आती है. इसका घेरा एकदम अमेजिंग है. आई थिंक जितना प्राइस में पे कर रही हूँ उसके हिसाब से इसका घेरा काफी अच्छा है, विच आई रियली लाइक. बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, आई कैन सी ग्रीन, व्हाइट, हॉट पिंक, बॉटल ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है, बट आई चोज गोल्डन, बिकॉज गोल्डन एक ना बड़ी सेफ गेम होती है. मैं आगे एक और आपको एक पीस दिखाने वाली हूँ जिसके साथ अगेन ये लहंगा एकदम सूट हो गया था. सो इसका भी कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी लग रहा है. आपको दुपट्टा लेने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आजकल चलता है यार, आजकल फैशन है, यू कैन वेयर अ नाइस पेपलम वाला ऐसा ब्लाउज इसके साथ नीचे लहंगा, एंड यू आर गुड टू गो. आप अगर गर्लिश लुक चाहते हो ना, आप दुपट्टा मत कैरी करो, हाथ में चूड़ियां पहन लो, प्यारा सा झुमका पहन लो, एंड यू आर गुड टू गो. मतलब ये 624 रुपीज का है, ये 799 रुपीज की आप टोटल कर सकते हो, आपका 1300-1400 रुपए में पूरा एक लहंगा बन के रेडी हो जाता है एकदम एफर्टलेस लुक के लिए. और इसका घेरा भी अच्छा है, तो ये बिल्कुल भी लोकल सस्ता वाइब्स नहीं देता. सो इसी लहंगे के साथ मुझे सजेशन में एक और लहंगा दिखा सेम जनक स्टोर का ही, तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए ताकि मैं आपको कंपैरिजन दिखा पाऊं. तो ये जो था गोल्डन वाला, ये कली वाला लहंगा, यू कैन सी इसमें आगे ऐसे कलियां बनी हुई है, स्टिचिंग करके ऐसे लाइन्स जा रही है. सेकंड जो मैंने स्कर्ट ऑर्डर करी है सेम ब्रांड से, उसमें ऐसा नहीं है. ये बेसिकली एक स्कर्ट है जिसके अंदर कलियां नहीं है, बट दिस हाउ इट लुक्स लाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर इज सो प्रिटी, एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल लाइफ में भी इतना सुंदर ये लगेगा. सिल्क मटेरियल की है, और मैंने कलर ऑर्डर किया है रामा ग्रीन कलर. इनके पास ब्लू है, मस्टर्ड येलो है, हॉट पिंक है, ग्रीन है, पैरेट ग्रीन है. फ्रंट में एकदम ऐसा ये फ्लैट दिखता है ऐसा, और पीछे इन्होंने यहाँ पे इलास्टिक दी हुई है. द ओनली थिंग इज अगेन इसका साइज बड़ा है, बिकॉज ये फ्री साइज आते हैं. बाय द वे मैंने शायद आपको बताया नहीं, दोनों लहंगों में साइज चूज करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऐसे फ्री साइज आते हैं. कोई बहुत हेल्दी होगा तो ये और ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, अदरवाइज मेरी जो वेस्ट साइज है वो 28 है, तो मुझे इसको ऑल्टर कराना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर स्कर्ट में कुछ भी साइड में जिप नहीं आती, पहले वाली जो
घेरे वाली स्कर्ट थी, उसमें साइड में जिप थी, हुक था, इसमें कुछ भी नहीं है. ट्रस्ट मी, दे डोंट लुक लाइक एक सिंगल लहंगा लेयर है जो एकदम फ्लैट जा रहा है. इनके अंदर इन्होंने लेयरिंग अच्छी दी हुई है, मतलब अंदर जो लाइनिंग एंड ऑल है ना वो काफी कड़क है, तो उससे बहुत एक अच्छी फुलफुल लुक आती है, विच इज नाइस. द ओनली थिंग इज इसकी स्टिचिंग मुझे थोड़ा सा ऑड क्या लग रहा है, इन्होंने जो भी एक्स्ट्रा कली थी ना वो यहाँ पे साइड में पीछे की साइड टक कर दी, तो ये जो इलास्टिक है दोनों साइड की पीछे की वहां पर कलियां बहुत ज्यादा ना इकट्ठा हो रही है. यू कैन सी इन द वीडियो राइट हियर, मैं आपको शो करूंगी दोनों साइड वहां पे कलियां ऐसे आके इकट्ठा हो रही है. फ्रंट में थोड़ा सा ये फ्लैट वे में जाता है बिकॉज फ्रंट में इन्होंने यहाँ पे कलियां ठीक से निकाली नहीं हुई, सो आई एम नॉट रियली श्योर इसमें स्टिचिंग का डिफेक्ट है या फिर ये लुक ही ऐसी आती है, बट अगर आप दूर से देखोगे ये काफी अच्छी लगती है. आई रियली लाइक द कलर, एकदम कॉकटेल सॉर्ट ऑफ ए कलर मुझे लग रहा है. अगर आपका कोई इंडो वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ एक फंक्शन है ना, कि आपको कॉकटेल सेरेमनी है, मेहंदी सेरेमनी भी किसी किसी कंबाइन होती है, तो आप डेफिनेटली पहन सकते हो. सम कशी का ज्ञान राइट ओवर हियर. जैसे प्लेन ब्लैक स्वेटर्स लो, जैसे हाईनेक वाले आते हैं आपको अमेज़न पे डेफिनेटली मिल जाएंगे, उसके साथ ये नहीं कि उसको टक करके पहनो एंड वेयर अ नाइस चंकी ज्वेलरी. मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस अमेज़न हॉल एक बनाया था जिसके अंदर मैंने जवेरी पर्ल्स की ज्वेलरी दिखाई थी, उसमें आपको जवेरी पर्ल्स का लेयर्ड एक चेन दिखाई थी, तो उसको आप उस हाईनेक के साथ पहन सकते हो और ये नीचे स्कर्ट पहन सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट विल लुक bomb.com. इंडो वेस्टर्न एक पूरी लुक आएगी ना, बिल्कुल देसी लगेगा ना बिल्कुल वेस्टर्न लगेगा, आपका सस्ते में एकदम काम भी हो जाएगा. सो दिस समथिंग आई रियली लाइक. ये कलर मैं स्पेसिफिकली आपको रेकमेंड करूंगी बिकॉज आई थिंक काफी डिफरेंट लगता है. इंडियन वेडिंग में यू विल सी पीपल वेयरिंग रेड, येलो, ग्रीन, मस्टर्ड, लेकिन अगर आप ऐसा कलर पहन के जाओगे ना तो ये काफी आई कैचिंग लगता है. हमने बात कर ली हल्दी की, मेहंदी की, कॉकटेल सेरेमनी की, आवाज आते हैं डायरेक्ट शादी के ऊपर बिकॉज शादी में हमें थोड़ा सा ब्लिंग अनदर लेवल का चाहिए. सो इसी गोल्डन लहंगे को थोड़ा सा शादी वर्दी बनाने के लिए आप ले सकते हो एक हैवी सा ब्लाउज, और ये मुझे मिला है अमेज़न पे जो मुझे काफी सुंदर लगा. एंड ट्रस्ट मी, ये लाइटिंग में तो इतना सुंदर लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इस पे मिरर वर्क है. सो मिरर जो है वो इस पे ऐसे चिपकाए हुए हैं, आप देख सकते हो पास से ऐसे मिरर चिपके हुए हैं, सो एजेस से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक ऑब्वियसली आप ऐसे हाथ हिलाओगे तो देयर इज अ चांस ये हल्का हल्का आपको चुभ सकता है बिकॉज मिरर पे ये जो काम होता है स्टिक्ड वाला काम होता है, सो थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा. फ्रंट से बहुत प्यारी इसकी नेकलाइन है, इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी नेकलाइन, ना ज्यादा ये डीप जा रही है ना ज्यादा एकदम ऊपर है, परफेक्ट इसकी मुझे लेंथ आ रही है. बाय द वे ये ब्लाउजेस भी फ्री साइज आते हैं, इन ब्लाउजेस में कोई साइज नहीं होता, सो ये वन साइज ही मिलते हैं, सो ये मुझे काफी ढीला है. बट व्हाट आई विल डू इज इसके बैक में आप देख सकते हो बैक का ऐसा कुछ डिजाइन है, नीचे इन्होंने यहाँ पे स्टिच किया हुआ, इन्होंने आई डोंट नो डोरी भी दी हुई है लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टिच करके रखा है, यहाँ पे ऐसे अंदर स्टिचिंग हुई है. सो व्हाट माय मॉम सेड कि मैं स्टिचिंग को खोल दूंगी और मैं एक हुक जो है बेसिकली वो यहाँ पे लगा दूंगी टाइट लेवल पे, ताकि वो यहाँ पे जब आके क्रॉस हुक होगा तो ये नीचे से अपने आप इसमें फिटिंग आ जाएगी. सो मुझे अलग से साइड में फिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज ऑब्वियसली आप साइड से भी फिट कर सकते हो. सो मेरा जो बस्ट साइज है वो 34 है, मेरे लिए ये ब्लाउज काफी ज्यादा लूज है, सो आई वुड से ये वाला जो ब्लाउज का पूरा स्टाइल है ये 38 40 प्लस वालों को काफी अच्छी इसकी फिट आएगी, लेकिन 34 32 वालों को ऑब्वियसली ऑल्टर कराना पड़ेगा. पीछे यहाँ पे डोरी भी दी हुई है जिससे इसके शोल्डर भी एकदम इंटैक्ट रहते हैं, तो बिल्कुल भी इसके ये जो है स्ट्रैप वो गिरेगी नहीं. ये अमेज़न पे ब्रांड रघुवीर क्रिएशन, ये रियल मिरर वर्क चोली ब्लाउज, तो ये प्रॉपर ब्लाउज आप साड़ी के साथ पहन सकते हो, लेकिन मैंने अभी लहंगे के साथ आपको टीम अप करके दिखाया है. आप देख सकते हो ये गोल्डन वाली स्कर्ट के साथ ये कैसा लग रहा है. बाय द वे मैंने गोल्डन वाला कलर नहीं ऑर्डर किया, इसी ब्लाउज में गोल्डन कलर भी मिल रहा था लेकिन मैंने ऑर्डर किया है येलो कलर, इसमें ब्लू कलर मिल रहा है, आपको ब्लैक भी मिलता है, रेड कलर मिल रहा है, एक बिल्कुल रॉयल ब्लू वाला मिल रहा है, सिल्वर कलर मिल रहा है जो थोड़ा सा वाइट बेस में है. सो कलर्स की एकदम वैरायटी भरमार है. इसका एक्चुअल में आप ये 1000 रुपीज और ये मुझे पड़ा है 500 रुपीज का. ट्रस्ट मी, 500 रुपीज के हिसाब से नॉट बैड. स्लीव्स भी आपको मिलती हैं जो आप अटैच कर सकते हो अगर आप स्लीवलेस नहीं पहनना चाहते. सो आजकल जो ब्लाउज की स्टिचिंग चल रही है ना 800-900 तो लोकल टेलर ही ले लेता है आसपास वाला, तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन. खाली मेरे ऑल्टरेशन के चार्ज आएंगे और मेरा ब्लाउज बनके एकदम रेडी हो जाएगा. सो हमने मेजर फंक्शन जो है ना वो कवर कर लिए, हल्दी, मेहंदी, शादी. अब जो रिसेप्शन या पार्टी वाले जो फंक्शन होते हैं तब हमें इंडियन ही पहनना होता है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश साइड जो थोड़ा सा सटल भी लगे एट द सेम टाइम थोड़ा सा अच्छा इंडियन लुक भी दे. सो उसके लिए मुझे मिला है ये इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस, ये लिटरली मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाली है. सो आप क्या कर सकते हो, आप अमेज़न से आपने कुछ भी खरीदा हो पहले, आपको ब्रांड काफी अच्छी लगी हो, तो आप उसी प्रोडक्ट पेज पे जाओ, आपको उस ब्रांड के ऊपर आपको दिख जाएगा ब्लू कलर का होता है, उस पर क्लिक करोगे ना वो ब्रांड के सारे जो आइटम्स होंगे वो खुल जाएंगे. तो मैं ऐसे ही इंडिया पर गई, मैंने प्रॉपर इंडिया का पेज खोला अमेज़न के ऊपर, आप सर्च भी कर सकते हो, तो उसमें मैंने इंडिया के बहुत सारे कपड़े देखे और उसमें मुझे
दिखी, ये ड्रेस सुंदर सी, और इसमें जो साइज अवेलेबल था ना वो था मीडियम। और मैं इंडिया में हमेशा ऐसी मंगाती हूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्लाउज दिखाया ब्लू कलर का, वो भी इंडिया का ही है, वो मैंने एस मंगाया, मुझे काफी सॉलिड फिट आ रहा है, एकदम प्रॉपर फिट आ रहा है। सो मैंने रिस्क ले लिया, मीडियम में अवेलेबल था तो मैंने मीडियम में ऑर्डर कर दिया, एंड आई वाज राइट। इसकी फिटिंग मुझे एकदम ठीक आई है, हल्का सा नीचे से थोड़ा सा लूज है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा एक न्यूड ब्राउन सॉर्ट ऑफ एक कलर है जो बड़ा इंग्लिश फील देता है। नीचे इसमें फ्रिल दी हुई है, लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है। बाय द वे मेरी हाइट है 5'1", तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हो, मैंने आपको दोनों जो स्कर्ट्स दिखाई हैं वो मेरी लेंथ के हिसाब से ठीक आ रही हैं। हल्का सा ग्राउंड टच हो रहा है बिकॉज मैंने सारे जो स्कर्ट्स हैं अभी फुटवेयर नहीं पहने थे। जब मैं हील पहनूंगी तो मुझे स्कर्ट की लेंथ भी एकदम परफेक्ट आएगी, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है स्कर्ट, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। 5'1", 5'2" वाली लड़कियों के लिए बहुत अच्छी एक लहंगा लुक देंगी ये स्कर्ट्स। इन द सेम वे ये भी लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है, मुझे हल्का सा फ्लोर से ऊपर आ रही है, इसमें फ्लोर टच नहीं हो रहा। सो दिस आउट लुक्स लाइक फ्रंट में आपको बहुत प्यारा इन्होंने सीक्वेंस समथिंग का एक काम दिया हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है। साइड में इन्होंने एक मिरर सॉर्ट ऑफ, मिरर नहीं है ये, कांच नहीं है ये, कुछ ऐसे जैसे फॉइल फॉल सॉर्ट ऑफ नहीं होता, वो अंदर ऐसे टक करके वर्क दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सा बटन मिल जाता है, एंड दिस आउट लुक्स लाइक ऑन मी। सो इसके साथ जो मैंने इमेज में देखा था ना अमेजोन की इमेज में, उन्होंने नीचे पैंट्स पहनी हुई थी, तो आप इसके साथ पैंट्स पहन सकते हो, जेगिंग्स पहन सकते हो, कोई भी तरह की कोई गोल्डन पैंट्स पहन सकते हो, लेकिन मैंने एक गोल्डन वाली स्कर्ट के साथ पहना, और आप देख सकते हो पूरी लुक कितनी सुंदर आ रही है। लिटरली 2,800 रुपये में, 2,000 नहीं, ये 1,000 समथिंग रुपीज का मैं प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और स्कर्ट हमें 700-750 की पड़ी थी। तो दोनों का आप कंबाइन कर लो, एक सस्ता सा लहंगा आपका बन के तैयार हो जाता है, और ये बिल्कुल भी कहीं से सस्ता नहीं लग रहा। पूरी जो लुक आई है वो एकदम ग्रैंड आई है, सुंदर आई है, यू कैन पेयर नाइस झुमका विद इट। ये कॉलर्ड है ना, तो आपको दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं है, कॉलर्ड एज इन इसका कहीं ना कहीं बन सॉर्ट ऑफ गला होता है ना, तो आपको दुपट्टा लेने की जरूरत नहीं होती, आप खाली जैकेट लहंगा पहनो एंड यू आर गुड टू गो। आउटफिट्स की तो हमने बात कर ली, एक्सेसरीज के अंदर मैं झुमका सा नॉन नहीं कवर करने वाली बिकॉज वो मैंने अपने जवेरी पर्स वाले हॉल में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, मैंने आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिखाए हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी या फिर यहाँ आई बटन में डाल दूंगी, प्लीज आप देखना। अब आ जाते हैं बैग्स के ऊपर, तो मेरा काफी टाइम से मन था पोटली बैग लेने का बिकॉज आजकल काफी ट्रेंड में है, तो मुझे जब ये दिखा अमेजोन पे आई वाज लाइक यस मुझे ये लेना है, मुझे बहुत सुंदर लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स लाइक दिस, एकदम फ्लैट होके आया था एंड ऐसे खुलता है, यहाँ पे डोरी इन्होंने दी हुई है, दोनों साइड आपको स्ट्रिंग्स मिल जाती है, गोल्डन कपड़े का काम किया हुआ है, और यहाँ पे काम भी बहुत सुंदर है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो स्टिच वाला काम है, बहुत प्यारा स्टिचिंग वाला इसमें काम जा रहा है। इसका ये जो हैंडल है मतलब पकड़ने का जो है वो भी काफी अच्छा है, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हो, ऐसे डाल सकते हो या फिर ऐसे डाल सकते हो। आई ऑलवेज कैरी बैग बिकॉज इंडियन कपड़े के आजकल तो वेस्टर्न कपड़ों में पॉकेट्स नहीं होती, और इंडियन में तो बिल्कुल ही पॉकेट नहीं होती, तो मुझे एक बैग चाहिए ही होता है, मेरा 2-3 सामान तो जरूरी है, सैनिटाइजर हो गया, फोन हो गया, तो एक बार जरा फोन टेस्ट करके देखते हैं कि इस पोटली बैग में मेरा फोन आता है नहीं आता, बिकॉज मेन यही है यार, अगर आपके बैग में आपका फोन नहीं आता तो कोई यूज नहीं है। सो दिस इज माई 12 Pro, मैं आपको साइज बता रही हूँ, एंड वंस यू क्लोज इट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लोज हो रहा है, हल्का सा ऊपर आ रहा है डोरी से, बट एटलीस्ट ये इसके अंदर आ पा रहा है, एंड या आई एम गुड टू गो। मेरा इसके अंदर मास्क आ जाएगा, सैनिटाइजर आ जाएगा, एक टच ऑफ की लिपस्टिक आ जाएगी, एंड आई एम डन। सुंदर है, बहुत प्यारा भी लगता है, और एकदम मैंने टिपिकल गोल्डन सॉर्ट ऑफ ए कलर लिया है जो सारे इंडियन आउटफिट के साथ जाएगा, आप अभी देख सकते हो मैंने इस आउटफिट के साथ कैरी किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड फाइनली कमिंग टू फुटवेयर, मैंने 2 ऑप्शन पिकअप करे हैं, एक है हमारी हील वाली लड़कियों के लिए, और एक ऑप्शन मैंने पिकअप किया एकदम फ्लैट वाली लड़कियों के लिए जिनको बिल्कुल भी हील्स पहनना नहीं पसंद। काफी लड़कियों ना डांस करना होता है, फिर कंफर्टेबल रहना होता है, तो एक फुटवेयर आपके वार्डरोब में होनी चाहिए जो इंडियन हो और थोड़ी सी फ्लैट में हो, तो मुझे देखिए अमेज़न पे एकदम सुपर सस्ते रेट पे मुझे ये मिली है। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, मैंने कलर इसमें चूज किया है रोज गोल्ड, इनके पास और भी कलर के ऑप्शन थे, यहाँ पे बहुत प्यारा रोज गोल्ड ग्लिटर का काम दिया हुआ है, ये प्रॉपर फ्लैट है, मतलब हल्की सी भी इसमें हील नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक है तो ग्रिप अच्छी आती है, पीछे से लॉक भी हो जाता है, आगे से भी आपका पैर अच्छे से लॉक हो जाता है, तो आप इजिली चल सकते हो, डांस कर सकते हो, सुपर फ्लैट सैंडल फॉर इंडियन वेयर। सो ये फ्रॉम द ब्रांड शॉपफी करके कोई ब्रांड है, वुमेन स्टाइलिश फैंसी कंफर्ट ट्रेंडिंग फ्लैट्स, ये मुझे पड़ी है 266 रुपीज की, विच इज अ स्टील डील। आई कैन सी कलर गोल्डन, आई कैन सी ब्लैक, इनके पास पिंक कलर में भी है, रेड में भी है, तो ये जो शिमर वाला पार्टिकल है ना वो इनके पास अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। सो दिस इज फुटवेयर नंबर 1। सेकंड फुटवेयर इज अ हील फ्रॉम अ ब्रांड शू टोपिया बाय दो भाई, इसका बॉक्स काफी डिस्टॉर्टेड आया बिकॉज दब बब के एकदम ये बॉक्स आया था, लेकिन अंदर से फुटवेयर एकदम ठीक है। सो ये जो ब्रांड है ना दो भाई, इनके स्टोर्स भी हैं दिल्ली में, मैंने तिलक नगर
मतलब मैं इनका एक स्टोर देखा और मैंने एक और किसी मार्केट में देखा है, सो आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन मुझे ब्रांड के बारे में पता था तो मैंने ऑर्डर कर दिया, एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। सो दिस आर द हील लुक्स लाइक, वेरी प्रिटी, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है, मतलब ये जो हील साइज है ना इट्स परफेक्ट, ये आपके पैर दर्द नहीं करेगा, आपको हाइट भी अच्छी देगा। दिस आर इट लुक्स लाइक। मैंने इसमें कलर जो है वो कॉपर लिया है, इसी फुटवेयर में आपको एक प्रॉपर गोल्डन कलर भी मिलता है जो हल्का सा लाइट है, लेकिन इसमें जो ऑनलाइन कॉपर कलर दिख रहा है ना वो हल्का सा सिल्वरिश साइड है, मुझे ऐसा कलर रिसीव नहीं हुआ, ये हल्का सा रोज गोल्ड मैं इसको बोलूंगी, सो आई वुड कॉल इट कॉपर, आई वुड कॉल इट रोज गोल्ड। सो अगर आप कॉपर सेलेक्ट करोगे ना तो आपको यही रिसीव होगा। आई रियली लाइक द फैक्ट कि इसमें आप ये दिया हुआ है इलास्टिक, इससे बहुत अच्छी एक ग्रिप आती है, लॉक आता है बेसिकली, सो आप डांस करोगे, आप चलोगे बहुत ज्यादा तो आपका लॉक इससे काफी अच्छा बना रहेगा। फ्रंट से ही बहुत सुंदर लगती है, वेरी वेरी एलिगेंट एंड प्रिटी, एंड दैट इज इट फॉर माय ब्राइड्स मेड आउटफिट आइडियाज हॉल। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी, मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करने की ताकि आपके बजट में भी काम हो पाए, एट द सेम टाइम आपकी इंस्टा वर्दी लुक भी क्रिएट हो पाए। प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी लुक मेरे ऊपर सबसे अच्छी लग रही है, मैंने एक ही लहंगा को 3-4 तरीके से ट्राई किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए हैं, तो प्लीज मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर सबसे अच्छा लग रहा है, आई डेफिनेटली वेयर इट इन माई फ्यूचर वेडिंग। एंड इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और डिटेल्स के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोज भी आप देख सकते हो, मैंने अमेजोन हॉल की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो मैं आपको आपको दिखा दूंगी, तो प्लीज आप यहाँ पे क्लिक करके उस हॉल को देख सकते हो, आपको जो भी पर्टिकुलर हॉल देखना हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।